Hello viewers, welcome, welcome, welcome back to my channel. So today I am here again with the same topic, which is Vedic education. How was the Vedic education? That means how the education in India was in the ancient time. So basically ये जो टॉपिक है वैदिक एजुकेशन के बारे में, ये बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी को हेल्प करेगा. डेफिनेटली और भी यूनिवर्सिटीज में, यहाँ पे सेकेंड ईयर में है, डेफिनेटली और भी यूनिवर्सिटीज में ये सब्जेक्ट्स होगा. तो जिनके लिए भी, जिनके भी यूनिवर्सिटीज में ये सब्जेक्ट है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं. बट बेसिकली कानपुर यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर के हिसाब से मैं ये बना रही हूँ. लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी में, इफ इन योर यूनिवर्सिटी दिस टॉपिक इज और दिस सब्जेक्ट इज देयर, यू डेफिनेटली कैन वॉच द वीडियो. ओके, सो हम पढ़ेंगे वैदिक एजुकेशन के बारे में, अबाउट इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो वी विल रीड अबाउट वैदिक एजुकेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सो इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट वैदिक एजुकेशन इंट्रोडक्शन. सो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था वैदिक एजुकेशन का इंट्रोडक्शन. ओके, तो इसमें जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसमें हमने जाना था कि हाउ द चिल्ड्रन यूज टू गो टू गुरुकुल एंड दे यूज टू टेक नॉलेज. कैसे स्टूडेंट गुरुकुल में जाते थे, नॉलेज लेते थे, और फिर वो कुछ सालों तक नॉलेज लेके अपने घर पे वापस आते थे. ओके, लेकिन उस समय पे जो एजुकेशन होती थी, द एजुकेशन एट दैट टाइम, उसके एम्स क्या होते थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते थे, वो क्यों होती थी इस टाइप की एजुकेशन उस टाइम पे, और हम उसमें जो सीखते थे उसके पीछे मेन रीजन क्या होता था. तो इसमें जहां पहला रीजन जो आपको दिख रहा है वो है नॉलेज दैट डेवलप पर्सनैलिटी. आज की डेट में हम क्या करते हैं, हम नॉलेज लेते हैं, वी टेक नॉलेज, वी गो टू स्कूल, वी लर्न, उसके बाद वी विल टेक अ गुड जॉब एंड देन वी विल सिट. लेकिन एंशिएंट टाइम में ऐसा नहीं होता था. वहाँ मेन एम जॉब लेना, अच्छा पोजीशन लेना, ये नहीं होता था. वहाँ पे जो मेन एम होता था वो होता था कि एक अच्छा पर्सन बनना, एक अच्छी पर्सनालिटी होना. ओके, सो ये जो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करेंगे ना, तो यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता था एजुकेशन एक पर्सन का. ऐसा नहीं है कि वो पर्सन सिर्फ एक ही तरह से ग्रो कर रहा है, वो सिर्फ अर्निंग पे एम्फेसाइज कर रहा है कि मैं कैसे एमबीए करूँ, मैं कैसे इंजीनियरिंग करूँ, मैं कैसे डॉक्टरिंग करूँ कि मैं अच्छा इनकम कर सकूँ और अपना कैसे गवर्नमेंट जॉब लूँ. लेकिन उस टाइम पे जो एजुकेशन होती थी उनका एम ये नहीं होता था. द एजुकेशन डजंट एम एट अर्निंग ओनली, इट गिव्स एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. ओके, यानी कि वहां पे लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे, तो वो ये जानते थे कि वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के वापस आएंगे. उनका मेन एम ये होता था हाउ टू हेल्प पीपल, कैसे हमें पीपल्स को हेल्प करना है, सोसाइटी को हेल्प करना है, कैसे हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, कैसे अपने एटमॉस्फेयर का ध्यान रखना है. लाइक टुडे वी आर डिस्ट्रॉइंग ईच एंड एवरीथिंग ना, नेचर वी हैव डिस्ट्रॉयड. लाइक देयर आर, वी आर कटिंग ट्रीज, वी आर कटिंग दिस फॉर आवर बिजनेस पर्पस. लेकिन उस टाइम पे लोग ये सब एजुकेशन लेते थे और बोलते थे कि हमारे नेचर का हमें ध्यान रखना है, जो आसपास हमारे एनिमल्स है उनका ध्यान रखना है. ओके, सो ये अगर कोई इंसान हमें लगे कि ये हेल्प, इसे हेल्प चाहिए, तो हमें उस पर्सन की उस समय पे हेल्प करना चाहिए. सो दिस टाइप ऑफ एजुकेशन, ओके, ये सब एजुकेशन मिलती थी. और इस एम, बेसिकली इस एजुकेशन का एम ये होता था कि एक पर्सन एक अच्छा इंसान बन के निकले. ओके, उसके बाद जो इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, गुरुकुल एम्फेसाइजेस अपन ऑब्टेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. ओके, अब गुरुकुल में क्या होता था, एक ही चीज को एक्सपीरियंस लेके सीखते थे. अब वी गो टू स्कूल, व्हाट वी डू, वी यूज टू ओपन आवर बुक्स, वी यूज टू स्टडी एंड वी यूज टू कम बैक. उसमें एक्सपीरियंस नहीं है. एक्सपीरियंस हमें कब आता है, जब वी विल गो टू जॉब, हम जॉब पे जाएंगे, वहां पे कुछ वर्क करेंगे, तो हमें आएगा एक्सपीरियंस. ठीक है, लेकिन गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था. गुरुकुल में प्रैक्टिकली चीजों को सिखाया जाता था, जैसे किसी का ध्यान रखना है तो कैसे रखना है,
कुकिंग करनी है तो कैसे करनी है, एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चरल वर्क वर्क करना है तो कैसे करना है, वो प्रैक्टिकली करके दिखाए और उस चीज से एक्सपीरियंस ले लेके, जैसे वो बच्चे जब करते थे उस चीजों को गलत सही करके वो एक्सपीरियंस लेके उस चीजों को सीखते थे। तो वहां पे एक मेन एम होता था कि कोई भी चीज की नॉलेज दो तो विथ एक्सपीरियंस, ओके, टू डू द थिंग्स प्रैक्टिकली ऑल्सो एंड देन टू गेन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आ गया टू टर्न द माइंड फ्रॉम मटीरियल नॉलेज एंड सेंटर इट अपन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यानी कि हम क्या करते हैं, हम मटीरियल वर्ल्ड को ज्यादा चाहते हैं, मेरा नाम हो जाए, मेरी इनकम बढ़ जाए, ठीक है ना, मेरे पास बहुत पैसा हो, आई शुड हैव मोर मनी, आई शुड हैव अ बिग होम टू लिव इन, आई शुड हैव ऑल द फैसिलिटीज इन माई होम, मेरे घर पर हर एक चीज की फैसिलिटी हो, एक अच्छा AC हो, अगर AC आ भी गया फिर हम सोचते नहीं यार ये छोटा है, फिर और बड़ा AC आए, ठीक है, कार ले ली फिर सोचेंगे नहीं यार दिस इज ओल्ड मॉडल नाउ आई विल टेक अ न्यू कार, फिर हम अब चाहते हैं ब्रांडेड फोन्स लेना, ये तो हम क्या होते हैं, हम मटेरियल में ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन पहले के जमाने में मटेरियल नॉलेज को चाहते थे कि लोगों की लाइफ से हटा दिया जाए, ठीक है, उसको ये वो लोग बेसिकली ये चाहते थे कि जो गेन हो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब ये चाहे कि भगवान का ध्यान कैसे किया जाए, उस जमाने में ये सिखाया जाता था। उसके बाद हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, हम कैसे कर्म करेंगे, कैसा वर्क करेंगे, तो वी विल हैव अ गुड लाइफ, वी विल हैव अ पीसफुल लाइफ, ओके, सो ऑल दिस थिंग्स वेयर टॉट। और वहां पे ये समझाया जाता कि जो वर्ल्ड में जो चीजें हैं हम जितना भी अर्न कर ले हम सब यहीं छोड़ के जाएंगे, तो वट एवर वी आर गोइंग टू अर्न, वी आर गोइंग टू परचेज एवरीथिंग, वन डे वी आर गोइंग टू लीव इन दिस वर्ल्ड एंड वी विल हैव टू गो, हाउ एवर रिच वी आर बट स्टिल वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड एंड वी हैव टू गो। इसलिए वो ये बोलते थे कि जिंदगी में जो कमाना है वो अच्छी चीजें कमाओ, हमें मटीरियल चीजें कमा के कोई फायदा नहीं है, ओके, सो मोर स्पिरिचुअली सेक्रीफाइसेस, फास्टिंग, टेकिंग वोट्स। नाउ इसमें ये भी बोला, उस समय पे क्या करते थे ना, सिखाया जाता था कि सेक्रीफाइसेस कैसे किया जाए। जैसे वी हैव अ वेरी वेल नोन स्टोरी अबाउट इन रामायण ना, कि जो राम जी हैं उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, कैसे अपने फादर का प्रॉमिस रखने के लिए कैसे सेक्रीफाइस किया था, वो 14 years के लिए वनवास चले गए थे। तो ये उनके मन में ये चीज कहाँ से आई, वो इसलिए आई क्योंकि वो गुरुकुल जाके शिक्षा ग्रहण करके आए। लेकिन आज के जमाने में जो हम शिक्षा लेते हुए टू बी सेल्फिश, अगर आज के जमाने में ऐसा हो तो शायद ही कोई ऐसा हो जो जाए, लेकिन उस जमाने में यही सिखाया जाता था कि कैसे सेक्रीफाइसेस किया जाए, कैसे हम सेक्रीफाइसेस करके चीजों को जिंदा रख सके, अपने प्रॉमिस को जिंदा रख सके, ठीक है। सो हाउ टू मेक सेक्रीफाइसेस, फास्टिंग मतलब व्रत रखना, फास्टिंग की प्रथा तो आज भी है, ठीक है ना, तो फास्टिंग करके हम कैसे चीजों को, मतलब हम एक्स्ट्रा अनाज जो होता है हम खाते हैं यूजलेस, हम फास्टिंग करके उन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। फास्टिंग का एक्चुअली में देखा जाए तो मेन मोटो यही होता है कि हम अननेसेसरी की जो चीजें खाते हैं, अपने बॉडी को खराब करते हैं, उससे बचा जा सके। तो कैसे फास्टिंग किया जाए, कैसे सेक्रीफाइसेस किया जाए, ठीक है, और टेकिंग वोट्स मतलब वहां पे प्रण लेना, प्रोमिसेस लेना, और उस प्रोमिसेस को कैसे फुलफिल करें। अगर हमने किसी को अपने वर्ड्स दिए, वी हैव गिवन सम वर्ड्स टू any person, how to keep our words. आज की डेट में what we used to do, we used to give promises and we used to forget. हम promises करते हैं और भूल जाते हैं, but उस time पे ये सिखाया जाता था कि कैसे हम किसी के words को, जब हमने किसी को words दिया तो उसे कैसे fulfill करें, या तो उन words को दो ही मत, और अगर if we have given any kind of promise to anyone, we should know how to fulfill those promise, okay? फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की हेल्प करना, एनिमल को देखना, अपने एनवायरमेंट को देखना, अपने एनवायरमेंट को ग्रीन रखना, ठीक है ना, सफाई रखना, साफ रखना, तो ये सब चीजें जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उस टाइम पे सिखाई जाती थी, ओके। सो ये मेन एम होता था वैदिक एजुकेशन का।
प्राचीन काल में जो एजुकेशन द वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो होता था उसमें मेन एम होता था कि कैसे एक इंसान को एक अच्छी पर्सनालिटी बनाए, कैसे उसको नॉलेज सिखाए, एक्सपीरियंस दे लेके, ठीक है ना, हम कैसे उसका माइंड डाइवर्ट करें कि वो मटीरियल चीजों को छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाए, कैसे सेक्रीफाइसेस करना सिखाए, वो उसका एम यही होता था कि ये पर्सन में ये सारी चीजें डालें. ओके, अब इसके डेफिनेटली और भी एम्स होते थे, लेट्स सी. सो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमें और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे सिखाई जाती थी. और वो चीजें क्या थी? वो चीजें थी डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लर्न सम काइंड ऑफ एन डिसिप्लिन ओवर देयर. ओके, सो हम सीखते थे कि हम कैसे डिसिप्लिन रहें अपनी लाइफ में. कुछ भी नहीं, लाइफ में जो भी मन कर रहा है करो, दिस इज नॉट लाइफ. सम डिसिप्लिन शुड ऑलवेज बी देयर. गेटिंग अप इन द मॉर्निंग ऑन टाइम, स्लीपिंग अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला रूटीन जो हम आज की डेट में अक्सर फोगेट, मतलब हम भूल चुके हैं वो रूटीन. सो डिसिप्लिन में रहना, कैसे रहना, किस तरीके से रहना, कैसे बातें करना, ये सारी चीजें उस वक्त सिखाई जाती थी. ओके, सो अ प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ, ओबीडियंस, कैसे हम ओबीडियंट बने, कैसे हम सबकी बड़ों की बातें सुने. अगर हमें कोई कमांड कर रहा है और हमारे अच्छे के लिए कमांड कर रहा है, बता रहा है, तो हम जरूर उस ओबीडियंट होके उस चीजों को सुने, रेस्पेक्ट करें टू पेरेंट्स, टू टीचर्स, टू एवरीवन. ओके, हु आर एल्डर, डेफिनेटली एल्डर यंगर्स भी. ओके, सो रेंडरिंग हेल्प टू अदर, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि उस जमाने की एजुकेशन का एम होता था कि कैसे हम एक इंडिविजुअल को सिखाए हाउ टू हेल्प अदर्स. ओके, उसके बाद में लाइवलीहुड. ओके, सो अर्निंग लाइवलीहुड, ऐसा ठीक है, हमें तो ये भी सिखाया जाता था कि हम कैसे चीजों को अच्छा बने, एक अच्छा इंसान बने, लेकिन लाइफ तो बिना मनी के चलेगी नहीं. वी कंट रन आवर लाइफ विदाउट मनी, सो डेफिनेटली थोड़ा बहुत अर्निंग करना भी सिखाया जाता था, कुछ स्किल्स सिखाए जाते थे. ठीक है, कुछ स्किल्स में आ गया जैसे एनिमल हस्बेंड्री, कैसे हम एनिमल्स का ध्यान रखें, कैसे उन एनिमल्स को अपने काम में, जैसे अगर हमारे पास फील्ड है, वी हैव फील्ड, तो हाउ वी विल प्लाउ दिस, हाउ वी विल यूज आवर एनिमल टू प्लाउ द फील्ड. ओके, तो हम उस एनिमल को कैसे यूज करेंगे अपने खेतों पे, ठीक है ना. अगर हमारे पास काऊ है तो हम उसका मिल्क बेच सकते हैं, ठीक है ना, उसके गोबर को हम लोग डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना. कैसे हम एनिमल को बहुत अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है ना. एग्रीकल्चर और भी अलग अलग तरीके के, जैसे हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाना, उसके बाद प्लांटेशन करना, सब्जियां उगाना, तो ये सारी चीजें सिखाया करते थे डिफरेंट, जिसकी जैसी आर्ट होगी. जैसे कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा है, इफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज वर्किंग वेल इन एग्रीकल्चर फील्ड, तो हम वो कोशिश करते थे कि उसको एग्रीकल्चर में डाइवर्ट किया जाए. कैसे एग्रीकल्चर, क्योंकि वो एग्रीकल्चर की स्किल बहुत अच्छे से सीख रहा है, तो वो कोशिश करते थे कि उसको वही सिखाया जाए. कोई पर्सन है जिसका आर्ट अच्छा है, सिंगिंग अच्छा है, तो वो उसी तरीके की चीजें उसे सिखाया करते थे. इसी तरीके से और भी अदर प्रोफेशंस. ओके, उसको एम था सिखाना. ओके, सो ये जो बेसिकली है ये उस टाइम का एम था. और इसके अलावा एक और चीज जो मुझे याद आ रही है, और ये है मेडिसिंस. मेडिसिंस की नॉलेज दी जाती थी, जैसे पहले के जमाने में टैबलेट्स नहीं हुआ करती थी, दे डोंट हैव प्रॉपर मेडिसिंस, सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू यूज प्लांट. याद है जब हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लाने, तो वो कोई टैबलेट नहीं थी जो लक्ष्मण को ठीक कर गई, एक्चुअली वो एक तरीके का प्लांट ही था जिसकी नॉलेज हनुमान जी को मिली और वो लेके आए. सो इसी तरीके से डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट मेडिकल यू कैन से फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, तो कौन सा प्लांट कौन सी मेडिसिन में यूज हो सकता है, ये सारी चीजें, ये सारी नॉलेज आपको इसमें वैदिक एजुकेशन में सिखाई जाती थी पुराने प्राचीन काल में. तो आपको लगता है कि एक पर्सन हर एक चीज में परफेक्ट होके आता होगा, उसको रेस्पेक्ट करना आता होगा. ओके, ही नो आफ्टर लाइक गेटिंग द एजुकेशन, ही नो हाउ टू रेस्पेक्ट, हाउ टू हेल्प, ठीक है ना. जब पूरी एजुकेशन पूरी हो गई तो एक पर्सन के अंदर क्या आ गया, कैसे मैं किसी की हेल्प करूँ, ठीक है ना, कैसे मैं किसी को रेस्पेक्ट करूँ. उसके बाद उसको
पता होगा कि मैं अपनी अर्निंग कैसे करूं, हाउ टू अर्न, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो हाउ टू मेक मेडिसिन, अगर किसी को जरूरत है, ठीक है ना। उसके बाद कैसे अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखूं, सराउंडिंग्स का, ओके। सो ये सारी चीजें जब किसी पर्सन के अंदर ऑल फीचर्स आ जाएंगे तो हमें क्या लगेगा कि हाँ ये पर्सन को तो हर एक चीज आती है, यानी कि ये एक परफेक्ट इंसान बन के निकला है, ओके। यही वहां का एम होता था वैदिक एजुकेशन का। अगर हम डिफरेंस देखें आज के एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन एंड वैदिक एजुकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट ए पर्सन गेट गाइडेंस इन वन पार्ट। हम बस टीचिंग को लेके, अगर हम एक अगर मेडिसिन की ज्ञान हमें कब मिलेगा, अगर हम डॉक्टरी लाइन में जाते हैं, ठीक है ना, डॉक्टरी एटमोसफेयर, अगर हम एनवायरमेंट से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं तो हमें एनवायरमेंट की नॉलेज, लेकिन उस टाइम पे एक ओवरऑल नॉलेज दी जाती थी, ओवरऑल पर्सन को डेवलप किया जाता था, ओके। सो ये कुछ एम्स थे कि एक पर्सन के अंदर इसको, ये जब आप नोट्स बनाओगे तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, द एम ऑफ वैदिक एजुकेशन इज टू मेक अ पर्सन disciplined, to make a person obedient, ठीक है ना। इसको ले लेके आपको points बना के उसको explain करना है, इस तरीके से आपको points लिखना है। Hope मेरी ये video आपके लिए helpful होगी। This video has definitely helped you, I'm sure. Okay, so if you really feel it helpful, so do like the video, subscribe my channel. I will come up with more videos. Thank you and have a great day.